चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इन द फिगर विल बी, कितना होगा इस बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो इस ब्लॉक पे अर्थ की ग्रेविटी फोर्स लगाएगी m2g, इस ब्लॉक m1 पे फोर्स लगाएगी m1g, लेकिन ये m1g मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और ये ब्लॉक कर चल सकता है तो हॉरिजेंटली इस प्लेन के ऊपर, तो एक्सटर्नल फोर्स जो हुआ सिर्फ m2g हुआ। अच्छा थ्रेड में जो टेंशन होता है जनरली वो एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं होता है, वो इंटरनल फोर्स सिस्टम का कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल बॉडी का जब भी FBD आप बनाते हो तो उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को शो किया जाता है, तो उसमें ये जो थ्रेड का टेंशन है वो फिर आप यूज करोगे, ठीक है। लेकिन पूरे सिस्टम पे अगर आप नेट फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो उसमें टेंशन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पे अगर इस थ्रेड में टेंशन T है तो यहाँ पे भी T होगा, यहाँ पे भी T होगा, तो यहाँ पर इस थ्रेड में टेंशन 2T के इक्वल होगा। अगर ये बॉडी A एक्सेलरेशन से नीचे जा रही होगी तो ये पॉइंट 2A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा, ये तो जीरो फिक्स एक्सेलरेशन का जीरो है, ये तो क्योंकि सीलिंग के साथ फिक्स हो गया, ठीक है। अगर ये पॉइंट 2A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये ब्लॉक भी 2A एक्सेलरेशन से राइट साइड जा रहा होगा। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊं M1 ब्लॉक का, तो राइट साइड में एक टेंशन हो गया, नीचे M1G हुआ और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लेते हैं वो M1G के इक्वल होगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है 2A, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही थ्रेड में टेंशन जो है इस ब्लॉक पे लग रहा है थ्रेड के थ्रू, ये इसको मूव कराना चाह रहा है, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 into a, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2a, तो यहां पर हम लिख देंगे t इज इक्वल टू m1 into 2a, तो t की वैल्यू हो गई 2m1a के इक्वल। अब इसका FBD बनाते हैं दूसरे बॉडी का FBD बनाएंगे यानी m2 का, तो ये होगा m2g। थ्रेड में जो टेंशन लग रहा है वो 2T ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी इस ब्लॉक पे जो टेंशन लग रहा है 2T ऊपर की तरफ लग रहा है, जो पुली लगा रही है ये वाली पुली। और अगर इसका एक्सेलरेशन A नीचे की तरफ है, इट मींस m2g बड़ा है 2T से, तो अगर मैं एफ नेट इस पे लगाऊं, एफ नेट इज इक्वल टू m2 into a, तो एक्सेलरेशन तो A ही है, तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, m2g - 2T इज इक्वल टू m2a। अब टी की जगह यहां से 2m1a रख दें, तो मैं यहां लिख देता हूं m2g इज इक्वल टू सॉरी माइनस 2 into 2m1a इज इक्वल टू m2a। थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, m2g माइनस 4m1a इज इक्वल टू m2a, ठीक है। तो मैं उधर इसको भेज दूं, अगर m2g इज इक्वल टू a कॉमन ले लें तो m2 प्लस 4m1 ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैं यहां लिख दे रहा हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 upon m2 plus 4m1 into g, ये वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की, बी ब्लॉक के एक्सेलरेशन की। कौन सा ऑप्शन सही है, m2g upon 4m1, ये पहला ही वाला ऑप्शन अप्रोप्रिएट है। देखो m2g ठीक लिख रहे हैं ना, कुछ गलती तो नहीं है, देख लो, हाँ ठीक, यही वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।